मुझे हराने के लिए मोदी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, मगर दाल नहीं गलेगी कि सो जाओ बेटा वरना शेर आएगा। और हम तक बच्चे डरते थे, अम्मा अपने पलों में लपटाती कि बेटा सो जा सो जा, आप उलझा हो चुका है। माए कह रही कि बेटा आराम से सो जा, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई बीजेपी को, फिर जीतिया कैसा बीजेपी, कैसा जीता बीजेपी, कौन आ गया बीजेपी को। ये बात हम जब बोलते हैं तो समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस सबकी रातों की नींद हराम हो जाती है। क्या हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट खड़ा किया मजलिस पे, खड़ा किया, फिर कैसा जीत गया, कौन जीते, बीजेपी जीत गई, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी जीत गई। और ये आके बोलते ओवैसी लड़ेगा, वोट काटने के लिए लड़ा। अच्छा, अब एक और सवाल का जवाब जरा दूर से, वहां से आवाज नहीं आ रही, अब इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे। क्या तुमने कभी सुना कि हमारे हिंदू भाइयों ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो क्या अखिलेश ने कहा कि हिंदू वोट डिवाइड होगा इसलिए मैं हार गया? तुमने सुना कभी? क्या तुमने कभी सुना कि बहुजन समाज के नेता ने कहा कि हमको हमारे दलित समाज ने वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई? आपने सुना? इनकी क्या मजाल के मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी? क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम बहादुर हो? क्या तुम मध्य मुजाहिद हो? क्या तुम मोमिन हो? क्या तुम रसूल अल्लाह के गुलामों के गुलाम हो? तो फिर अब की बार इन जंजीरों को तोड़ दो मेरा भाई। मुसलमानों के वोट से नहीं जीत रही है, बीजेपी मुसलमानों के वोट से नहीं जीत रही है। कितने वोट मिले मुसलमानों के बीजेपी को मालूम आपको? 2014 में 6% पूरे मुल्क में, 19 में 6%, मगर हम नहीं दे रहे हो तुमको, वो कैसा जीत रहा है बताओ? इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे जाने के बाद ये समाजवादी के, बीएसपी के, कांग्रेस के सब लोग के बड़े बड़े पहलवान आएंगे, उसकी बात का यकीन नहीं करना जो टोपी और दाढ़ी लंबा है, उसकी बात का यकीन नहीं करना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनसे सवाल करना, ये सवाल करना, बोलो अगर अखिलेश यादव यादवों का वोट बीजेपी को पड़ गया तो अखिलेश ने नहीं कहा कि यादव समाज ने मुझे वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई, मगर अखिलेश यादव और बीएसपी कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, मुसलमान अगर ओवैसी की बात में आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे तुम यादवों को नहीं कहते, तुम हमारे हिंदू भाइयों को नहीं कहते और मुझसे कहते हो? क्या समझ कर तुम कहते हो हमें कि मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या मुसलमान तुमसे डरता है? क्या हमारी जिंदगी, हमारी रिस्क तुमसे है? अरे हमारा रिस्क तो अल्लाह देने वाला है, हमारी जिंदगी की गारंटी संविधान देता है जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, संविधान देता है आपको अपनी जिंदगी की गारंटी। एक इंसान की राइट टू लाइफ भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, मगर ये अब आएंगे नहीं नहीं ओवैसी की वजह से बीजेपी जीतती है। एक और हकीकत बता रहा, पूरे पार्लियामेंट के चुनाव में हमने सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट लड़ी, कौन सी? हैदराबाद, बोलो, औरंगाबाद और किशनगंज। इन 3 में 2 में हमको कामयाबी मिली। हैदराबाद की आवाम का लपल
हमने बीजेपी को हराया, मोदी भी आए थे मेरे लिए, मुझे हराने के लिए मोदी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, मगर दाल नहीं गली। औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ये भी सुनो, याद रखो, ये जब आएंगे मेरे जाने के बाद, मेरे नौजवानों रिकॉर्ड करना इसको, व्हाट्सएप पे डालोगे ना, फसाद बुक पे डालोगे, फेसबुक नहीं है फसाद बुक, ट्विटर पे डालोगे, इंस्टाग्राम पे, सब पे डालना ये बात। ओवैसी के सवालात, औरंगाबाद में 21 साल का शिवसेना का एमपी था, 21 साल का, किसने हराया उसको? कांग्रेस ने हराया? नहीं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने उसको हराया और इम्तियाज जलील को वहां का अपने पार्लियामेंट बनाया। अब बचा तीसरा किशनगंज, वहां पर मजलिस को 3 लाख वोट मिले, अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के प्रदेश के सदर है, 3,25,000 नीतीश कुमार की पार्टी को मिले और 3,50,000 कांग्रेस को मिले, बीजेपी नहीं जीती वहां पे। अब आप बताइए कि जहां मैं लड़ता हूं बीजेपी नहीं जीतती, मगर ये लोग तुमको डरा रहे हैं ओवैसी आएगा तो ऐसा होगा। मैं ये तमाम सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं, बचपन में बच्चों को सुनाया जाता था, हमने किताबों में पढ़ा कि सो जाओ बेटा वरना शेर आएगा, और हम तक बच्चे डरते थे, अम्मा अपने पलों में लपटाती कि बेटा सो जा। आप उलझा हो चुका है, माए कह रही कि बेटा आराम से सो जा, मजलिस आ गई, मजलिस। ये फर्क, ये तब्दीली हम ला चुके हैं, इसीलिए इनको डर होने लगा है, इसीलिए इनको लग रहा है कि आप वो जो मुसलमानों का वार्ड, जो उनका कैदी था, जो उनका आउट बैंक था, जिनका रिजर्व बैंक था, उनको नजर आ रहा है कि असल दीन ओवैसी की पार्टी उस ओल्ड बैंक को ओल्ड बैंक नहीं बल्कि ताकत के तौर पर मुसलमानों के हक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये बात आपको समझता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, घबराने की जरूरत नहीं है।